अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, तुहाडा भरा मोनेटाइज उरा गुराड़ा अज एक नम शानदार ते धमाकेदार वीडियो लै ते हाजिर होया है। ते वीडियो तुसी वेंदे पे हो, बल्कि वेंदे पे जे बहुत ही खास ते इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो दे अंदर मैं आदे दोस्तां भरावां जेड़े मेरे वर्गे बहुत ही गरीब गुरबा लोग ने, ठीक है, उन्हां वास्ते खास तोहफा लै ते आया। जेड़े लोग गड्डी दा खा वेंदे ने, लेकिन असी गड्डी नहीं दे सकते, गड्डी दी स्पीड जरूर देवांगे आदे दोस्तां भरावां नूं, क्योंकि मोनेटाइज गुराड़ा अज जनाब आदि टुटी भनी मोटरसाइकिल दी स्पीड 150 करके तुहानूं विखावेगा। क्योंकि इस वीडियो दे विच तुसीं वेखदे पए हो कि मेरा टुटा भन्ना मोटरसाइकिल जिहड़ा है इहनूं मैं दो कारबेटर ला छड्डे ने, क्यों कि मैं खा वेखना कि मेरे मोटरसाइकिल दी स्पीड सब तों ज़्यादा होवे। लेकिन वो स्पीड ज़्यादा किस तरह हो सकती है, आज ऐसा कारबेटर दो लाए ने, ये जनाब 150 की स्पीड मारेगा, बल्कि टप जाएगा, सुई टुट जाएगी। ते वीडियो तुसी पूरी वेखनी है, ते जेड़े दोस्तां भरावां सानू हाली तक लाइक नहीं किया वो कर लवो, क्योंकि यार नवी तो नवी आवन वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके ते तुहाडा फायदा हो सके। ते मोनेटाइज नूं अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर किया करो, ते याद भी किया करो दुआवां विच भी। ते जेड़े दोस्त चाहते हैं कि मोनेटाइज तुहानू एक शेर सुनावे, मुड़े एक बार ब्रेक ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमन में होंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारे पास बाइक, तो इसका हमने कार्बोरेटर निकाल लेना है, ठीक है। एक कार्बोरेटर हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कार्बोरेटर हम खोल रहे हैं जी। हमने अपनी बाइक को दो कार्बोरेटर लगाने हैं और लगा कर आपको इसकी स्पीड भी चेक करवाएँगे, ठीक है। तो यानी कि भगा कर आपको बाइक की स्पीड चेक करवाएंगे कि कितनी हमारी बाइक की स्पीड इंक्रीज़ होती है, यानी कि दो कार्बोरेटर लगाने से, ठीक है। तो ये कार्बोरेटर हमने निकाल लिया, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, ये भी हमारे पास फिट कंपनी का नया कार्बोरेटर है, ठीक है। इसको जी, इसकी जो स्लाइड है ये ऊपर आपने निकाल लेनी। यहाँ पर देखें, ये इसकी ट्यूब के अंदर हल्की सी सिलाई होनी चाहिए और ऊपर आपने निशान लगा लेना, ठीक है। इसकी जो स्लाइड है यहाँ पर देखें, ये इतनी सी आपने काट देनी है। यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा, ठीक है। ये दोनों कार्बोरेटरों की जो स्लाइड है ये हमने काट देनी है। इसके दूसरे कार्बोरेटर की हमने भी यही सेम तरीका है कि इसके जो अंदर से कार्बोरेटर के है ना ट्यूब, उसकी में सिलाई हल्की सी सिलाई होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, ये दोनों स्लाइड पर हमने निशान लगा लिए हैं और इनको काट देना है, ठीक है। काट कर हमने इनको फिट करना है, क्योंकि ये काट कर हम जब लगाएंगे तो इसकी जो रेस है ना वो भी साथ साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हम काट रहे हैं जी। तो दोस्तों, वो स्लाइडें हमने दोनों काट ली हैं। अभी हमारे पास दो कार्बोरेटर बैंड है ओल्ड मॉडल के, ठीक है। तो एक को हमने सुराख करना है और दूसरे को हमने काट कर इसके ऊपर लगाना है और लगा कर इसको वेल्ड करवाएंगे, गैस वेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये दोनों हमने ये काट कर फिट कर लिए हैं, एक को सुराख किया है, ठीक है। तो अभी हमने इसको जो गैस वेल्ड है ये करवाना है। ये गैस वेल्ड का तकरीबन 150 खर्चा, ठीक है। तो ये गैस वेल्ड करवा कर आप लगा सकते हैं और इसको मैजिक भी लगा सकते हैं, यानी कि आपने आरजी अगर ट्राई करनी तो मैजिक लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो कार्बोरेटर बैंड थे ये हमने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसको लगाने हैं दो कार्बोरेटर। तो ये बाइक भी आपको चलाकर दिखाएंगे भगा करके ये कितनी भागती है और कितने इसकी स्पीड में इजाफा होता है। इसकी जो जेन्युइन थी ट्यूब सिलाई वो मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो ओल्ड मॉडल का कार्बोरेटर लगा रहे हैं जी। ये बाइक हमारी जो है ये न्यू मॉडल है,
2018 मॉडल यूनाइटेड मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो इसको हमने ओल्ड मॉडल के दो कार्बोरेटर लगाने हैं, ठीक है। अभी एक कार्बोरेटर हमने लगा दिया है, अभी दूसरे की बारी, दूसरा लगा रहे हैं जी। यह है जी हमारे पास यामा टू स्टोक की रेस केबल, ठीक है। तो ये हमने लगानी है, जो जेन्युइन इसकी केबल है वो उतार देनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, ये इसका जो रेस वाला ग्रिप है ये मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो जेन्युइन केबल है ये निकाल देते हैं, यहाँ पर इसकी जो है कि वो केबल लगाएंगे यामा टू स्टोक वाली, क्योंकि ये ऊपर से एक है और नीचे से दो हो जाती हैं, क्योंकि हमने दो कार्बोरेटर लगाए हैं तो साफ सी बात है कि दो ही तारें चाहिए हमें। सबसे पहले हमने इस केबल को अच्छे तरीके से एल लगाना है साफ, और एल लगाकर इसको फिट करना है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो एल लगाना इतना ज़रूरी नहीं था दिखाना, यानी कि आपको। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपने एल ज़रूर लगाना है इस केबल को। अभी यहाँ पर देखें, ये जो जेन्युइन हम लगा रहे हैं कार्बोरेटर के ऊपर वाली जो स्लाइड होती है, ठीक है, तो इसकी एडजस्ट वगैरह खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्यूब सिलाई मैंने इसको लगा दी है और अभी फिट कर रहा हूँ। ये दोनों स्लाइड काट कर हमने छोटी की हैं, क्योंकि इसकी जो रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा आएगी और ये भागेगी बहुत ज़्यादा। ये दो कार्बोरेटर हमने लगाने हैं जी, और इसके साथ हमने इसकी जो स्लाइड थी वो काट दी है, और इसकी जो फ्रंट ग्रारी होती चैन वाली ग्रारी वो भी हमने तब्दील कर दी है, वो हमने लगाई है 17 दांतों वाली, ठीक है। ये आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे शागिर्द ने इंस्टॉल कर दी है। हम इधर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसने वो ग्रारी लगा दी, आपको बता रहे हैं। 17 दांतों वाली जो फ्रंट ग्रारी होती ना चैन वाली, वो भी आपने लगानी है। ये बाइक भगा कर आपको चेक करवाएंगे, ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड आएगी। अभी यहाँ पर देखें, ये दोनों कार्बोरेटर हमने लगा दिए हैं, अभी इसका जो पेट्रोल पैप है ये लगा रहे हैं। थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो अजाफी इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि इसकी ट्राई भी लेनी है। अच्छा दोस्तों, इसके दोनों कार्बोरेटर हमने फिट कर लिए हैं, अभी हमने बाइक को स्टार्ट करना है और इसको चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये अभी आपको चेक करवा रहे हैं कि ये दोनों कार वैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें। अभी आपको दूसरा चेक करवाते हैं, ठीक है। यहाँ
खोल जा सिम सिम। समान वाला दिखाने, समान दिखाने। Holy, holy! बहुत पारा पानी आ गया खींच।